गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के दो और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 19 जून को 24 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है और उसमें गुजरात की 4 राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस में इस्तीफे से हड़कंप मच गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दो विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का 4थी सीट जीतना अब मुश्किल हो गया है। इससे पहले कांग्रेस को मार्च में तब झटका लगा था जब उसके 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिससे उसकी संख्या 68 रह गई थी। ताजा घटनाक्रम से कांग्रेस के 2 और विधायकों के पार्टी छोड़ने से उसकी 4 में से 2 राज्यसभा सीट जीतने की अपनी योजना अधूरी रह सकती है। बीजेपी के सदन में 103 सदस्य हैं और वो 2 सीटें जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस के मार्च में 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद से 68 विधायक रह गए थे। उधर बीजेपी ने एक तीसरे उम्मीदवार के तौर पर एक पूर्व कांग्रेस नेता नरहरी अमीन को मैदान में उतारा है। इससे पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में झटका लगा था जब पार्टी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया ने 13 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा था। कांग्रेस ने प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।